हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम होलिडी जंक्शन की बात करेंगे और रैक प्रोटीन्स की बात करेंगे। बेसिकली रैक ए बी सी डी इन प्रोटीन्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, नहीं तो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जंक्शन से बनता है, तो हम वो बाद में देखेंगे। आज हम देखने वाले होलिडी जंक्शन देखने के वाले हैं और ये ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी आई थिंक, अगर हो भी जाती तो प्लीज देख लेना। ओके देखो, पहले बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। बेसिकली क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है। तो जीन्स का जहाँ एक्सचेंज होता है और बिटवीन द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो मैंने तुम्हें मियोसिस पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे बार वो वीडियो देख लेना। देखो मियोसिस क्या होता है, ये क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, जहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस का, क्रॉसिंग ओवर होता है और उसके बाद में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन जो है नॉर्मल देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होता तो वेरिएशन नहीं आते। तो एक बार नॉर्मल प्रोसेस है, देख लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अलग पूरा पैटर्न है, ये पूरा अलग पैटर्न है। अब साथ में दोनों आएंगे, पैकाइटिन स्टेज आएगी, ठीक है, पैकाइटिन स्टेज आएगी और पैकाइटिन स्टेज किसकी है, मियोसिस की है, ठीक है, मियोसिस की है। और उसके बाद में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में रिकॉम्बिनेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे इसका कुछ पार्ट जो है वो इधर चला जाता है, यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज होता है जीन्स का, ठीक है। तो जेनेटिक एक्सचेंज होता है जीन्स का और इसी को हम रिकॉम्बिनेशन बोला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये जो पहला वाला स्ट्रैंड है ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है ये वाला और ये वाला, ये क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर रिकॉम्बिनेंट को शो करना होता है, रिकॉम्बिनेंस को शो करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेंटीमॉर्गन को, अगर तुम उसको रिलेट कर पा रहे हो तो, ठीक है। अब जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, मतलब जहाँ पे वेरिएशन ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा, लिंकेज क्या होगा, बहुत कम होगा। व्हाई? क्योंकि जब दो जीन एक साथ रहने की कोशिश करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो वो अलग नहीं होना चाहते हैं। अगर कोई अलग नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें वेरिएशन क्या है, बहुत कम आ रही है, और वेरिएशन अगर कम आ रही है तो मतलब वहां पे रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, वहां पे रिकॉम्बिनेशन भी कम हो रहा है। लेकिन सेकेंड कंडीशन, जहाँ पे लिंकेज बिल्कुल थोड़ा दूर दूर है, मतलब क्या हो, जीन्स थोड़े दूर दूर है, तो लिंकेज जो है वो तुम्हारा कम हो रहा है, लिंकेज तुम्हारा कम हो रहा है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन प्रॉपरली होगा, मतलब जो एक्सचेंज ऑफ जीन्स है, जो क्रॉसिंग ओवर है, वो बहुत अच्छे से होगा, तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा और वेरिएशन जो है वो तुम्हारी अच्छी खासी आएंगी। और इससे क्या होता है, जो नॉर्मली जो डार्विन की थ्योरी है, जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सेलेक्शन, ये यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो होता है। ओके, आई होप ये पूरा क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। तो इसमें यही सारा लिखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस का मतलब होता है होमो, मतलब जो एक जैसा हो, ठीक है। जब कभी भी डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ऑफ वेरी सिमिलर सीक्वेंसेस, सिमिलर सीक्वेंसेस के बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, अगर दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो क्या बोला जाएगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बोला जाएगा। अब नॉन होमोलोगस बोला जाता है, मतलब नो लार्ज स्केल सीक्वेंसेस सिमिलैरिटीज अपेरेंट, मतलब ये अलग है, ये अलग है, और इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है, अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बोला जाएगा। उसके बाद आता है साइट स्पेसिफिक, मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइट पे, जैसे माना कि ये तुम्हारी साइट थी कोई, ये एटीटी साइट थी कोई भी, एटीटीपी साइट थी, और यहाँ पे अगर रिकॉम्बिनेशन सिर्फ इसी जगह पे, जो 12 to 24 बेस पेयर वाला एक पूरा जो सीक्वेंस है, अगर वहीं पे रिकॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, जो हम अगली वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। नाउ रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन, मतलब जहाँ पे न्यू कॉपी जो जनरेट हो जाती है, मतलब पहले ये एक कॉपी थी, ये एक कॉपी थी, और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद में अगर दो कॉपी बन जाती है, तो उसे बोला जाता है रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन। तो ये कुछ टाइप होते हैं रिकॉम्बिनेशन के, आज जो पढ़ने वाले हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में, वो भी हॉलिडे मॉडल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की, जिसमें तीन मॉडल तुम्हें पढ़ने हैं। एक हॉलिडे मॉडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, बट रैक प्रोटीन से यहाँ पे पूछा जाता है। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है मैंने उठा के देखे, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो वहां से ज्यादा डीप में उसने पूछा हो। डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, तो इसको थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा। मिजल्स रीडिंग मेथड, ये याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो ये तीन टाइप के मॉडल होते हैं, और तुम्हें मैंने बता दिया कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हम यहाँ पे नॉर्मली देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हॉलिडे मॉडल की।
किसने दिया? रॉबिन हॉलिडे ने दिया, तो ये बहुत बेसिक है। अब यहाँ पे क्या होता है हॉलिडे मॉडल में, इसमें क्या होने वाला है, पहले मैं फिगर के थ्रू समझाऊंगी और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी पढ़ लेंगे तो तुम्हारा चीजें जो है वहां से क्लियर हो जाएंगी। ओके देखो, ये माना होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, जैसे ये हो गया एक पेयर और ये हो गया दूसरा वाला पेयर, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग होती है, देखिए जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल ए बी लिखा है, स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा है, ओके दो होमोलॉगस जीन्स हैं। अब पहला काम क्या होता है, यहाँ पे एंडो न्यूक्लियस काम करती है। एंडो मतलब होता है जो अंदर की तरह काम करेगी, और न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स पे तुम्हारा एक्ट करती है। अब यहाँ पे जो होता है निकिंग होती है बेसिकली, वो सिंगल स्ट्रैंड पे होती है, सिंगल स्ट्रैंड पे होती है। होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनकी सिंगल स्ट्रैंड पे क्या होती है, निकिंग होती है, एंडो न्यूक्लियस वहां पे उनको कट करती है। जैसे पिंक वाला अगर देखोगे तो यहाँ पे तो ये तो पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन बीच में जो दूसरा वाला है उसका निक क्रिएट किया गया है। वैसे ही अगर तुम दूसरा वाला देखो कि यहाँ पे निक क्रिएट किया गया है, और ये वाला तुम्हारा बिल्कुल यहाँ पे सही है, ये समझ में आया। पहले हमने क्या करा, बीच वाला यहाँ पे काट दिया। अब क्या होगा, स्ट्रैंड का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये स्ट्रैंड का डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो करने में हेल्प करेगा, ये जो प्रोटीन्स होती हैं हम जो लास्ट में पढ़ेंगे, डोंट वरी, तो वो यहाँ पे हेल्प करती है। पहले हॉलिडे मॉडल देख लेते हैं, फिर हम प्रोटीन्स का रोल यहाँ पे देख लेंगे। ओके अब होता है स्ट्रैंड का डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम स्ट्रैंड इन्वेजन भी बोलते हैं। मतलब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के इलाके में जा रहा है, ठीक है। जैसे पिंक वाला क्या कोशिश कर रहा है कि मैं तो ब्लू वाले इलाके में जाऊंगा, ठीक है, मैं ब्लू वाले इलाके में जाऊंगा, ब्लू बोलता है नहीं तो मैं तो पिंक वाले इलाके में जाऊंगा। तो ये क्या है, स्ट्रैंड इन्वेजन है, स्ट्रैंड इन्वेजन है। तो पिंक वाला क्या था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक था ऑलरेडी, अभी ने क्रिएट किया था, तो ये जो पिंक वाला है वो क्या करने लग जाता है, इन्वेट करने लग जाता है। और ये जो इन्वेजन होता है ना बेटा, ये इसकी वजह से होता है, तुम्हारे जो रेक ए प्रोटीन है ना उसकी वजह से ये इन्वेजन जो है पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे ये प्रोटीन काम करती है, उसको इन्वेट करने में हेल्प करेगी। तो ब्लू वाला इधर चला जाएगा और पिंक वाला इधर चला जाएगा। उसके बाद लाइगेशन होता है, मतलब लाइगेस एंजाइम यहाँ पे काम करती है, जो क्या करती है, यहाँ पे जो 3' OH जो तुम्हारा पॉइंट बनता है, यहाँ पे लाइगेट लाइगेशन आएगी, मतलब लाइगेज एंजाइम आएगी और लाइगेशन वहाँ पे कराएगी, और दोनों एंड्स को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, दूर दूर जाएगा। अब देखो इस ब्लू वाला इलाका जो है पिंक में चला गया है, और पिंक वाला इलाका कहाँ पे चला गया है, ब्लू में चला गया है। अब अगर हमने देखा है कि ये जो कनेक्शन है ना वो यहाँ पे है, यहाँ पे ही कनेक्शन है, और ये दोनों बाद में है। अब देखो जैसे माना कि पॉइंट अटैचमेंट वही रहने वाला है, अटैचमेंट यही रहने वाला है। जैसे माना कि जब तुम किसी भी रबड़ को बहुत सा घुमा देते हो और तुम जब खोलेंगे कोशिश करते, जैसे पॉइंट पे यहाँ पे अटैचमेंट था और तुम उसको खोलने की कोशिश करते हो, तो वो जो है आगे माइग्रेट हो जाता है, वो आगे माइग्रेट हो जाता है, और ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। जैसे माना कि जैसे यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, अब क्या होता है ब्रांच माइग्रेशन होता है। तुम यहाँ से क्या करोगे, इसको खोलने की कोशिश करो, ऐसे करके इसको खोलने की कोशिश करोगे, यहाँ से खोलने की कोशिश करोगे। अब जैसे यहाँ पे खोलने की कोशिश करोगे तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पे था वो क्या चला जाएगा, बिल्कुल थोड़ा अंदर की ओर चला जाएगा, वो अंदर की ओर चला जाएगा, ठीक है, अंदर की ओर चला जाएगा। इसको बोला जाता है ब्रांच माइग्रेशन, ब्रांच माइग्रेशन बोला जाता है। और यहाँ पे जो हेल्प करता है वो RUB प्रोटीन जो होती है वो यहाँ पे काम करती है, हम अभी आगे देखेंगे। तो ये ब्रांच और माइग्रेशन यहाँ पे कर दिया गया है। अब क्या होगा, ब्रांच माइग्रेशन हो गया, अब क्या हुआ इससे तो हमें पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे होता है ड्यूप्लेक्स जो बना है, जो दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर सा जो बन रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो देखो ये जो है, ये है तुम्हारा ए और बी, ए और बी। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये ए और ये बी है, ठीक है, उसके बाद में ये पिंक वाला आ रहा है, फिर सारा का सारा ब्लू वाला आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन पिंक और उसके बाद ब्लू वाला आ रहा है, तो ये तुम्हारा पहला वाला स्ट्रैंड हो गया। ये दोनों कौन से हो गए, पहला वाला स्ट्रैंड हो गया है। ओके अब यहाँ पे देखो ये ब्लू है और उसके बाद पिंक आ रहा है, तो ये ब्लू है उसके बाद पिंक आ रहा है और उसके बाद ब्लू आ रहा है, तो मतलब ये सेकंड वाला स्ट्रैंड यहाँ पे हो चुका है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेशन कर दिया है प्रॉपरली दिखाने के लिए। ओके अब यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री का रोटेशन होता है। अब ये कैसे रोटेशन होगा, देखो ये पिंक वाला था, ये पिंक और ब्लू का कनेक्शन था, यहाँ पे ब्लू वाला था और पिंक और ब्लू का कनेक्शन था, ये कंडीशन थी। जब वो 180 डिग्री का रोटेशन होता है, मतलब पहले ये ऐसे थे, अब क्या होगा, ये खुलना है, बिना खुले तो चीजें अलग नहीं होंगी ना, सेपरेट करना है। तो क्या होगा, अब 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा, 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। जैसे माना कि पहले कोई चीज यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, अब इसका 180 डिग्री का यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा, वो कहाँ पहुंच जाएगी, इधर पहुंच जाएगी, और ये वाली चीज कहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली चीज यहाँ पहुंच जाएगी। तो 180 डिग्री का रोटेशन यहाँ पे होने वाला है। अब क्या हुआ है, देखो अब 180 डिग्री के रोटेशन होने के बाद जो बनता है उसे काई फॉर्म बोला जाता है, हॉलिडे स्ट्रक्चर बोला जाता है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे ए और बी वाला था,
देखो ये वाली कंडीशन ए और बी वाली कंडीशन तुम्हें दिख रही है प्रॉपरली, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि ये जो पिंक और ब्लू है, ये पिंक और ब्लू जो है ये खाली दो स्ट्रैंड थे तुम्हारे, अब ये क्या है पिंक और ब्लू ये इधर ही आ गए बेटा, ये इधर ही आ गए हैं। मतलब क्या हुआ, पहले तो उनका कनेक्ट कलेक्शन जो था ऐसे था, ये इनका कलेक्शन ऐसे था, ठीक है, अब क्या आ गए ये इधर आ गए हैं, मतलब जो कलेक्शन है वो एक तो इधर स्ट्रैंड हो गया है। देखो पहला स्ट्रैंड तो ये हो गया है, एक सेकेंड कहाँ गया पेन, देखो पहला हो गया ये कैपिटल ए और कैपिटल बी वाला जो पिंक वाला स्ट्रैंड था, और नीचे वाला कौन था, स्मॉल ए स्मॉल बी जो ब्लू वाला था, ब्लू वाला था। नॉर्मली तुमने देखा कि जो पिंक वाला है वो ऐसे शो हो रहा है और ब्लू वाला ऐसे शो हो रहा है, लास्ट वाले देखने भी वाले नहीं देखने हैं, तो हमने वही सेम यहाँ पे दिखाया है, ब्लू वाला यहाँ पे है और पिंक वाला यहाँ पे है, तो ये दोनों तो यहाँ पे मेन वाले आ रखे हैं। अगर तुम इस वाले को देखोगे, ये वाले देखोगे कि पिंक और स्मॉल ब्लू, पिंक और स्मॉल ब्लू, तो यहाँ पे देखो पिंक और स्मॉल ब्लू जैसे ये जा रहा था एक स्ट्रैंड और ये आपस में क्रॉस कर रहे थे, अब हमने क्रॉस ना करके उनको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है कि तुम अपना अलग अलग यहाँ पे सेपरेट हो जाओ, सेपरेट हो जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला स्ट्रैंड अलग बन गया है, ये वाला स्ट्रैंड अलग बन गया है। ओके अब अगर हम इनको सेपरेट करना चाहते हो, तुम किसी भी धागे को अगर सेपरेट करना चाहते हो जो इस पर्टिकुलर पोजीशन में आ गया है, बिना काटे तो वो सेपरेट होगा ही नहीं, बिना काटे सेपरेट नहीं होगा। और यहाँ पे काई फॉर्म बनती है, होलीडे जंक्शन जिसको बोला जाता है, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, जहाँ पे एक स्ट्रैंड बिल्कुल ये अलग हो जाता है, एक स्ट्रैंड ये वाला बिल्कुल यहाँ पे अलग हो जाता है। ओके तो यहाँ पे क्या किया जाता है, फिर एक निक क्रिएट किया जाता है, फिर से एक निक क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे निक क्रिएट किया गया। अब ये जो निक क्रिएट किया जाता है उसके बाद में क्या होता है, स्ट्रैंड जो है अलग होते हैं, अलग होते हैं। अब ये स्ट्रैंड कैसे अलग होने वाले हैं, ये तुम्हारा पहला स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये तुम्हारा दूसरा स्ट्रैंड है। अब ये कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। अगर तुम देखोगे तो ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, दिस इज पिंक पिंक, ठीक है, पिंक पिंक। एक तो हम कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे इसको, एक तो हम ऐसे काट, अच्छा मैं इधर ही बता देती हूँ, एक तो हम ऐसे काटने वाले हैं इसको, ऐसे काटने वाले हैं, और एक हम ऐसे काटने वाले, ऐसे काटने वाले, दो तरीके से हम इसको काटने वाले हैं। ओके एक सेकंड, मैं इसको ऐसा करती हूँ कि ये वाले जो पर्टिकुलर यू नो फिगर है इसको हम आप पीछे ले लेते हैं तो तुम्हारा पूरा समझ में यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड। अब समझ में आ जाएगा कि वैसे समझ में नहीं आएगा, तुम जब तक साथ में नहीं देखोगे ना चीज समझ में नहीं आएगी। हाँ अब देखो ये वाला साइड है, अगर तुम देखोगे ये जो कैपिटल ए है, ठीक है, अब ये ब्लू वाले को ऐड कर दिया, ये ब्लू वाले को ऐड कर दिया है, तो हमने वही तो काम किया है, ये कैपिटल ए हुआ है और ये ब्लू वाला पोर्शन ले लिया है, और हमने ये वाला जो पोर्शन था, ये छोटा सा जो पिंक था और ये बड़ा सा जो ब्लू था, ये भी हमने सेम ले लिया है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नाइन्थ ए वाला पार्ट हो जाएगा। बी वाला देखो, बी वाला देखो, बड़ा वाला पिंक है, छोटा सा ए है, ठीक है, बड़ा वाला पिंक है, छोटा सा ए है, वो वाली कंडीशन है यहाँ पे, और ये वाला जो कैपिटल सॉरी ये पिंक वाला रीजन, ये वाला तो हमने यहाँ से काटा है, इसको यहाँ से काटा है और दोनों स्ट्रैंड को यहाँ पे अलग कर दिया, अलग कर दिया है। तो ये जो फॉर्मेशन होती है, ये वाला जो फॉर्मेशन होता है, ये जो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, इसे बोला जाता है क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, जो क्रॉसिंग ओवर के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो पहला देखो नॉर्मली स्ट्रैंड जो होना चाहिए था, पेरेंट वाला स्ट्रैंड आना चाहिए था, फिर उसके बाद वेरिएशन आना चाहिए था, फिर पेरेंट वाला स्ट्रैंड आना चाहिए था, फिर वेरिएशन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बना है। पिंक हो गया है, इसमें कुछ ये ब्लू वाला पार्ट आ गया है, इसमें छोटा सा ब्लू वाला पार्ट आया है, और सॉरी छोटा वाला पिंक आया, यहाँ पे ब्लू बड़ा वाला पार्ट आ गया है, यहाँ पे बड़ा वाला पिंक, छोटा वाला ब्लू, और ये वाली जो कंडीशन देखने को मिलती है, ये तुम्हारा बोला जाता है क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, इसको क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बोला जाएगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, अब दूसरा वाला कैसे बनेगा, अब हम इसको यहां से काटेंगे बेटा, चलो यहां से देख लेते हैं, ये हम यहाँ से काटेंगे, बिल्कुल बीच में से काटेंगे। अगर हम बीच में से काटेंगे तो ये पिंक वाली तो पूरी लाइन बन जाएगी, पिंक वाली तो पूरी लाइन बन जाएगी, तो ए भी तो बिल्कुल पिंक हो जाएगा, और पिंक के बीच में थोड़ा सा ब्लू हमें देखने को मिलेगा। अगर जैसे मैं और दिखाऊं तो मैं अच्छे से, तो कैसे होगा देखो, ये तो पिंक, देखो अगर मैं यहाँ से काटती हूँ, यहाँ से काटती हूँ, तो ये ऊपर वाला पिंक साथ में आ जाएगा, ये साथ में आ जाएगा, और यहाँ पे पिंक ब्लू और पिंक साथ में आ जाएंगे, एक स्ट्रैंड ये बन जाएगा, दूसरा वाला ब्लू बन जाएगा, उसके बाद में ब्लू पिंक और ब्लू साथ में बन जाएंगे। तो वही चीज हुई है, यहाँ पे पिंक और पिंक यहाँ पे साथ में आ गया है, पिंक ब्लू पिंक आ गया है, ब्लू पिंक पिंक, और उसके बाद में तुम्हारा ब्लू वाला बन गया है। तो ये नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है, पेरेंटल स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नीचे
वाला भी देखने को मिल रहा है, और इस पिंक के साथ में इस ब्लू का जो तुम्हारा थोड़ा बहुत जो यू नो जो वहाँ पे एडिशन हुआ है वो देखने को मिलेगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं बनेगा। तो पैच और नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बन जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या प्रिपेयर करना है तुम्हें ये याद रखना है, क्वेश्चन क्या प्रिपेयर करना है इस चीज में। देखो क्वेश्चन अगर आएगा तो पूछा जाएगा कि निक जो है वो कैसा क्रिएट होता है, सिंगल स्ट्रैंड निक क्रिएट होता है, सेम पोजीशन पे होता है ऑन बोथ पेरेंटल मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बताया था कि दोनों के मॉलिक्यूल पे ये सेम जगह पे क्या होता है, निक क्रिएट होता है, इस चीज को याद में रखना है। ओके उसके बाद में निक स्ट्रैंड जो है एक्सचेंज होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड लाइगेशन प्रोड्यूसेस अ क्रॉस स्ट्रैंड इंटरमीडिएट कॉल्ड अ हॉलिडे जंक्शन। अगर पूछा जाता है कि हॉलिडे जंक्शन कैसे बनता है तो तुम्हारा क्या होगा, निक क्रिएट होगा, उसके बाद में वो वहां पे एक्सचेंज होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, उसके बाद लाइगेशन हो जाएगा, और लाइगेशन होने के बाद में हॉलिडे जंक्शन का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, हॉलिडे मॉडल आर द फॉर्मेशन ऑफ हेट्रो ड्यूप्लेक्स डीएनए। मतलब क्या हुआ है, हेट्रो ड्यूप्लेक्स डीएनए बना है, जो जो तुम्हारा जो ड्यूप्लेक्स डीएनए बना है उसके अंदर खुद का स्ट्रैंड नहीं है, दूसरे वाले का भी स्ट्रैंड है वहां पे। तो हेट्रो मतलब जब कॉम्बिनेशन ऑफ एक से ज्यादा अगर कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो तुम्हारा हेट्रो वाली कंडीशन आ जाएगी, तो हेट्रो ड्यूप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन जो है हॉलिडे जंक्शन में देखने को मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लाइन ही याद रखनी है। ओके नाउ इट्स माइग्रेशन अलोंग द टू हेटरोड्यूप्लेक्स स्ट्रैंड नेम अ ब्रांच माइग्रेशन, जो मैंने बताया था दो हेटरोड्यूप्लेक्स बन जाते हैं उसके बाद ब्रांच माइग्रेशन जो है देखने को मिलता है। पहले यहाँ पे कनेक्शन था, उसके बाद आगे वो कनेक्शन जो है थोड़ा फैल जाता है। ओके Now, the partially heteroduplex double helix is a crucial intermediate and recombination has been termed the holiday junction or the holiday structure. तो जो बीच वाली कंडीशन आती है 180 डिग्री रोटेशन के बाद में उसको बोला जाता है holiday structure बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो एक तो ये बात पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप किसके बाद में हुआ है। तो पहले एंडोन्यूक्लियस हुआ है, फिर स्ट्रैंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फिर लाइगेशन हुआ है, फिर ब्रांच माइग्रेशन हुआ है, ब्रांच माइग्रेशन। ओके फिर ड्यूप्लेक्स का सेपरेशन होता है, 180 डिग्री का रोटेशन होता है, उसके बाद में काई फॉर्म जिसे हॉलिडे स्ट्रक्चर बोलते हैं उसका फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर से निकिंग होगी, और निकिंग होने के बाद में क्रॉसओवर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जहां पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा वाला जो होता है नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट वहां पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और इसको पैच बोला जाता है, पैच बोला जाता है, और इसको बोला जाता है तुम्हारा पैच और क्रॉसओवर प्रोडक्ट बोला जाएगा, इसको याद रखना है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो इतना ही क्वेश्चन बनने वाला है। तो हम आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछी गई है, तो ये एंजाइम तुम प्रॉपरली कर लेना। पहली बात है रेके। देखो रेके को समझना है, रेके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में, कैसे होती है आज तो हम ये देख ही लेंगे। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है सॉस रिपेयर में, सॉस रिपेयर में इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें पता होना चाहिए, देखो सॉस रिपेयर का अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तुम्हें बस याद कराने की, देखो लेक्स ए वाला प्रोटीन अगर याद होगा कि इसका क्लीवेज होता है, रेके प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है और बाद में रिपेयरिंग का वहां पे काम करती है। तो जो रेक ए है ये क्या करती है, एक्सचेंज जो होता है स्ट्रैंड के बीच में वो यहाँ पे कौन कराती है, रेक ए जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो विच प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ द स्ट्रैंड बिटवीन द होमोलोगस डीएनए दैट कॉजेस द हेट्रो ड्यूप्लेक्स टू फॉर्म। तो जो हेट्रो ड्यूप्लेक्स बनता है, मतलब जो ब्रांच माइग्रेशन होने से पहले जो इन्वेजन होता है, हेट्रो ड्यूप्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, वहां पे किसका रोल होता है, रेक ए प्रोटीन का जो है रोल देखने को मिलता है। तो ये चीज याद रखनी है, प्रोटीन हमेशा जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करेगी। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है, ये कभी भी डबल स्ट्रैंडेड से बाइंड नहीं करेगी, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से यहाँ पे बाइंड करती है। ओके नाउ फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन द टू डीएनए, उसके बाद में वो पूरा अपना ब्रांच माइग्रेशन करती है, तीन के साथ में जुड़ेगी, और जैसे ही उसका ब्रांच माइग्रेशन होता है वो वहां से निकल जाती है, सॉरी वो हेटरोड्यूप्लेक्स बनता है वहां से वो निकल जाती है। रेक ए कैन बाइंड टू इनिशिएट द स्ट्रैंड एक्सचेंज, जो मैंने बताया था इन्वेजन वाला, उसके बाद में जो स्ट्रैंड का एक्सचेंज होता है वहां पे रेक ए प्रोटीन का जो रोल है वो देखने को मिलता है। रेक ए प्रोटीन देन कैटलाइज द स्ट्रैंड एक्सचेंज विद इन द सिंगल स्ट्रैंड ओरिजिनली कोटेड विद अ रेक ए डिस्प्लेसिंग इट्स होमोलोगस स्ट्रैंड टू फॉर्म अ हेटरोड्यूप्लेक्स। अब कैसे करती है अब हम ये देखने वाले हैं। अब ये ऐसा नहीं जैसे ये चली गई, ये मतलब जैसे माना कि ये दोनों स्ट्रैंड थे, ये दो स्ट्रैंड थे, अब रेके प्रोटीन क्या करी, इनके बीच में आती है और हेटरोड्यूप्लेक्स बनाती है। अब रेके को लगता है कि अच्छा इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो चुका है, हेटरोड्यूप्लेक्स बन चुका है, तो रेके के पास में खुद ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो खुद कैटलाइज कर सकती है, ठीक है, खुद कैटलाइज कर सकती है और वहां से निकल जाती है, सो इट इज कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग बाय इटसेल्फ द स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शन दैट आर सेंट्रल टू द फॉर्मेशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन। ओके नाउ एक बार देख लेते हैं हम रेके वाला पहले, उसके बाद रेक बी सी डी पूरा पढ़ लेंगे।
अब क्या हुआ, ये तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया जो होमोलोगस वाला था, उसके ऊपर एक काई साइट होती है, ठीक है, एक सीक्वेंस होता है डीएनए का जो उसको हम काई साइट यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है। अब इस काई साइट पे क्या होता है, पहले रेक बीसीडी आती है। देखो रेक बीसीडी का बेसिकली फंक्शन क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये रेक बीसीडी जो है इसके पास में हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, इसके पास में न्यूक्लियस वाली प्रॉपर्टी भी है। हेलिकेज मतलब ओपन करना है, ऑब्वियसली ओपन करना है, ऐसा नहीं कि इसको हमेशा ही ओपन न करके रखेगी, उसको ओपन करना है जब तक चीजें नहीं हो जाती हैं। न्यूक्लियस वाली मतलब ये निक क्रिएट कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो रेक बीसीडी है ये पता करती है कि कहाँ पे काई साइट है। जैसे माना कि ये रेक बीसीडी थी, ये ढूंढने निकली है कि क्या कोई काई साइट है, कहाँ क्या कोई होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होने वाला है, तो यहाँ पे घूमने निकलती है। जैसे घूमने निकलती है ये किससे टकराएगी, ये काई साइट से टकराएगी, टकरा गई। अब टकराने के बाद में रेक बीसीडी क्या करती है, पहले हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी करेगी, मतलब चीजों को क्या कर देगी, ओपन कर देगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन कर देगी। अब ओपन करने के बाद में जैसे उसको काई साइट दिखती है, वो वहां से क्या कर देती है, निक क्रिएट कर देती है, निक क्रिएट कर देगी। तो डीएनए निक्ड एज एंजाइम पासेस काई साइट, तो ये तुम्हारा निक क्रिएट हो गया है और पूरा एक स्ट्रैंड तो कंप्लीट जा रहा था और एक को बीच में निक क्रिएट यहाँ पे कर दिया है। तो रेक बीसीडी ने निक क्रिएट कर दिया है। जैसे तुमने देखा होगा अभी कि डीएनए था ये वाला, ठीक है, दोनों डीएनए थे, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, निक क्रिएट होगा, निक क्रिएट होगा, उसके बाद में ब्रांच माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो वही सारा प्रोसेस चल रहा है। ये अब निक क्रिएट हो गया है। अब इस जैसे निक क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली बेटा क्या बन गया, सिंगल स्ट्रैंड बन गया है। वो यहाँ पे इसका कनेक्शन में नहीं रहा, वो सिंगल स्ट्रैंड बन चुका है। यहाँ पे 3' OH जो है बिल्कुल फ्री हो गया है, तो सिंगल स्ट्रैंड बन चुका है। जैसे सिंगल स्ट्रैंड बनता है तो रेके यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है, और रेके के पास में क्या होता है, 6 मोनोमर होते हैं जो एक रेके प्रोटीन को बनाते हैं, और वो आके बाइंड करेगा। देखो जैसे पिंक वाला बाइंड कर रहा है, और बाइंड करने के बाद में ब्रांच माइग्रेशन करेगा, मतलब जो मूवमेंट है वो इसका इधर देखने को मिलेगा, इसका इधर देखने को मिलेगा, और प्रॉपरली ब्रांच माइग्रेशन हो जाएगा। ब्रांच माइग्रेशन होने के बाद में तुम्हारा जो कोलिडे जंक्शन है उसका फॉर्मेशन जो है देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन होता है रेके रेक बीसीडी का। अब हम रेक बीसीडी देख लेते हैं एक बार। Most recombination event in E. coli also require a BCD exam. अब exonuclease 5th बोला जाता है इसको, very important question पूछा जाता है, ठीक है। REC BCD का जो पूरा complex है बेटा, इसको exonuclease 5th बोला जाता है, exonuclease 5th बोला जाता है, जो recombination को initiate करती है, क्योंकि NIC तो इसी ने create करना है, तो initiate भी इसको recombination करना पड़ेगा by providing a single stranded DNA to which the REC A binds। क्योंकि अगर ये नहीं काटेगी तो REC A वहाँ पे के बाइंड नहीं करेगा और ब्रांच माइग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो रेके का काम क्या होता है कि तुम रेक बीसीडी का काम क्या होता है, पहले तो मैं उस चीज को देखूं, फिर निक क्रिएट करूं, फिर रेके को बुलाऊं, और रेके क्या करेगा, ब्रांच माइग्रेशन वहां पे कर देगा। लेकिन रेक बीसीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों चीजें हैं, उसके पास में न्यूक्लियस वाली एक्टिविटी भी है और हेलिकेज वाली एक्टिविटी भी देखने को इसके पास में नहीं थी। देखो रेक बीसीडी हैव अ हेलिकेज एक्टिविटी जो तुम्हारा अनवाइंड करेगी डीएनए को, डीएनए को पूरी तरह खोल देगी। उसके बाद में ये एनकाउंटर किसे करती है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को बाइंड करती है, जिसे हम काई साइट बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस होता है GCTGG TGG, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ रेक बीसीडी ऑल्सो हैव अ न्यूक्लियस प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो इंट्रोड्यूस कर सकती है सिंगल स्ट्रैंड निक। आई होप अब पूरी तरह से जो पिक्चर है पूरी तरह से क्लियर हो रही होगी तुम्हारे दिमाग में। रेक बी जो है बेटा, इसके पास में 3 प्राइम टू 5 प्राइम हेलिकेज और न्यूक्लियस वाली एक्टिविटी होती है। अगर अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछ सकते हैं कि रेक बी के पास में क्या खाली सिर्फ हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी होती है, नहीं, उसके पास न्यूक्लियस वाली प्रॉपर्टी भी होने वाली है। जबकि हम रेक डी की बात करते हैं, उसके पास में हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी होती है लेकिन 5' टू 3' होती है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत ये इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है। रेक सी से क्या याद रखना है, सी मतलब क्या है, काई साइट। काई साइट मतलब ये रिकॉग्नाइज करती है काई साइट को, ये देखती है सी वाले के आगे खुल जाते हैं, अरे ये तो काई साइट है। रेक बी को बोलेगी बेटा अपनी हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी अपनाओ, तो वो हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी अपनाएगी। फिर बी और डी को साथ में बोलेगी कि ना तुम न्यूक्लियस वाली एक्टिविटी यहाँ पे काम करो, तो न्यूक्लियस वाली एक्टिविटी भी काम करेगा और निक क्रिएट वहां पे हो जाएगा। अगर काई साइट का कभी डेफिनेशन पूछा जाता है तो याद रखना है क्रॉस ओवर हॉटस्पॉट इन स्टिगेटर, तो इसको भी याद रखना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन, इतना से पूछा नहीं जाता है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे तुम्हारा क्या है, स्ट्रैंड का जो हेटरोड्यूप्लेक्स फॉर्मेशन है जो हॉलिडे जंक्शन में होता है वो कैसे हो गया है।
अब हो गया पूरा का पूरा। अब क्या करना है तुम्हें, ब्रांच का माइग्रेशन करना है, याद है ना सारी चीजें। क्या करा है, पहले निक क्रिएट किया है, निक क्रिएट करने के बाद में स्ट्रैंड का इन्वेजन किया है, इन्वेजन करने के बाद में तुम्हारा क्या हुआ है, लाइगेशन हुआ है, और लाइगेशन होने के बाद क्या हुआ है, ब्रांच माइग्रेशन हुआ है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा निक क्रिएट किसने किया, रैक बीसीडी ने, स्ट्रैंड का इन्वेजन किसने किया, रैक ए ने किया है। अब ब्रांच माइग्रेशन कौन कराता है, ब्रांच माइग्रेशन कराता है आर यू वी प्रोटीन्स कराते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू वी ए और बी एक्ट एज अ कॉम्प्लेक्स टू ड्राइव द माइग्रेशन ऑफ द साइट, ठीक है। माइग्रेशन कौन कराएगा, ये जो प्रोटीन है ये तुम्हारा माइग्रेशन कराने वाली है, और पूरा जो सेपरेशन होता है, जो तुम्हारा हॉलिडे जंक्शन है, एक निक क्रिएट होगा, और सेपरेशन जो होता है पूरा, जो तुम्हारा एक यू नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट बनना है, एक नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट बनना है, उसमें कौन काम आएगा, आर यू वी सी काम आएगा। कहां गया, हाँ, आर यू वी सी काम आएगा, दैट रिजॉल्व्स द हॉलिडे जंक्शन बाय क्लीविंग द क्रॉस्ड डीएनए स्ट्रैंड, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। रीजॉइनिंग ऑफ द क्लीव स्ट्रैंड बाय द लाइगेशन कंप्लीट द प्रोसेस यील्डिंग टू रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। आई होप पूरा पूरा चीज क्लियर हो गई होंगी, एक बार इसको देख लेते हैं। देखो ये तुम्हारा हॉलिडे जंक्शन हो गया है, जहां पे पूरा का पूरा क्या हो गया है, यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रैंड इन्वेजन हो चुका है, पूरा वो काम हो चुका है। आर यू बी ए आएगा, बी आएगा, और उसके बाद ब्रांच माइग्रेशन होगा, पहले यहाँ पे कनेक्शन था, अब कनेक्शन कहाँ हो जाएगा, आगे थोड़ा कनेक्शन बढ़ जाएगा। आर यू बी सी आएगा, वो क्या करेगा, क्लीवेज करेगा क्रॉस स्ट्रैंड के, तो यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा, और क्लीवेज होने के बाद में लाइगेशन होगा, तुम्हारे जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स जो हमें देखने को मिले, क्रॉसओवर प्रोडक्ट और नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट, उसकी वजह से हमें मिल जाएंगे। आई होप ये चीज पूरी तरह क्लियर हो गई होगी, कुछ क्वेश्चन करेंगे और तुम्हारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार मैं पूरा पूरा समझा देती हूँ फिर से, तो ध्यान रखना है। देखो पहले तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे, पहले निक क्रिएट होगा, निक क्रिएट में कौन सी प्रोटीन है अब तो तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसे निक क्रिएट होता है, स्ट्रैंड का इन्वेजन होता है, इन्वेजन होने के बाद में प्रॉपरली लाइगेशन होगा, लाइगेशन होने के बाद में ब्रांच माइग्रेशन होता है, जो तुम्हारा ब्रांच माइग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है। ब्रांच माइग्रेशन होने के बाद में तुम्हारा 180 डिग्री का रोटेशन होता है, मतलब जो स्ट्रैंड का सेपरेशन होगा उसके बाद 180 डिग्री का रोटेशन होगा, और उसके बाद में तुम्हारा हॉलिडे स्ट्रक्चर जो है इसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में तुम्हारे जो प्रोडक्ट है, जो क्रॉसओवर प्रोडक्ट है, नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट है, उनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो इस चीज को याद रखना है। ओके, अब जो नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट है उसमें कुछ पैरेंटल स्ट्रैंड जो है देखने को मिलेंगे, जबकि नॉन क्रॉसओवर वाले में नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये भी याद में रखना है। और यहाँ पे हेट्रोड्यूप्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन प्रोटीन काम आएगा, रैक ए प्रोटीन उसमें काम आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होने वाला है। देखो क्वेश्चन है ये, अ सिंगल स्ट्रैंड निक इन द पेरेंटल डीएनए हेलिक्स जस्ट अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंड निक क्रिएट हुआ है, कॉज़ेस द रेप्लिकेशन फॉर्क टू ब्रेक एंड रिकवरी फ्रॉम दिस कैलेमिटी रिक्वायर्स। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर रिपेयरिंग वाला प्रोसेस भी है, अगर रिकवरी वाला प्रोसेस भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब डबल स्टैंडर्ड की बात की जाएगी और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का जो निक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और रेप्लिकेशन फोर्क से पहले हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो काम आएगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ही यहाँ पे काम आने वाला है। डीएनए प्राइमेस का कोई रोल नहीं है, डीएनए लाइगेस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर साइट पे होता है, ठीक है, पर्टिकुलर साइट पे होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो डी विल बी योर राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ई कोलाई द रैक ए जीन इज इन्वॉल्व्ड इन रिकॉम्बिनेशन, हमने अभी देखा रिपेयरिंग में काम करता है, जो सॉस रिपेयर होता है वहां पे भी काम करता है। अब अगर डीएनए बी जीन की बात करते हैं, अगर तुमने रेप्लिकेशन पढ़ा है और वहां पे प्रॉपरली देखा है, डीएनए बी जी का डीएनए बी जो जीन है वो हेलिकेज की तरह काम करेगा, डीएनए को यहाँ पे अलग कर देगा, ठीक है, इन्वॉल्व इन अनवाइंडिंग द डीएनए डबल स्टैंडर्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए बी जीन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अ रैक ए एंड डीएनए बी जीन, आई थिंक बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए डीएनए बी वाला भी। नाउ म्यूटेशन इन द ई कोलाई रैक ए जीन इज लीथल, देखो बेटा लीथल का मतलब होता है कि अगर रैक ए प्रोटीन में, अगर रैक ए प्रोटीन में अगर तुम्हारा म्यूटेशन हो जाता है तो लीथल हो जाएगा, लीथल नहीं हो सकता है, बहुत सी डिजीजेस हो सकती हैं, बहुत ऐसी कंडीशन आ सकती है जो बहुत कुछ उसको कॉज कर दे, लेकिन लीथल नहीं है, लीथल नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो रिपेयरिंग होती है वो इतना प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं करता है, प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से मतलब अगर थोड़ी प्रॉब्लम भी आ जाएगी तो इससे कुछ भी इशू नहीं होने वाला है, लीथल वाली कंडीशन तो नहीं पहुंचेगी, इतना कंडीशन यहाँ पे खराब नहीं होती है, तो इस चीज को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेली क्वेश्चन बहुत बार सेम लाइन ना आई है पेपरों में।
कोलाई विद म्यूटेटेड डीएनए बी जीन डज नॉट सर्वाइव। ये पॉसिबल है क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन अगर ई कोलाई में करना है बेटा तो डीएनए बी जो जीन है वो रिक्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यही हेलिकेज का काम करता है। अगर वहां पे हेलिकेज नहीं होगा तो डीएनए का अनवाइंडिंग जो है कोई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि अगर डीएनए बी जीन यहाँ पे म्यूटेट होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया है। अगर ये वाला सही हो गया तो ये दो ऑप्शन यहाँ से चले गए, बिल्कुल चले गए। डीएनए बी आफ्टर अनकॉइलिंग द डीएनए डबल स्ट्रैंड प्रिवेंट फर्दर री एनिलिंग एट द सेपरेट स्ट्रैंड। तुम्हें पता है जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो हेलिकेज एंजाइम आती है वो क्या करती है, डीएनए का सेपरेशन करती है, अनवाइंडिंग करती है। लेकिन वो ऐसे तो है नहीं कि वो लटकी रहती है कि नहीं नहीं अब री एनिलिंग नहीं करानी नहीं करानी है, उसका वो रोल तो नहीं होता है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो फर्दर री एनिलिंग को नहीं करने देती है। तो वहां पे एसएसबी प्रोटीन का रोल आता है, डीएनए बी का रोल नहीं आता है। इसलिए ये वाली चीज है ये पूरी तरह यहाँ पे गलत हो जाएगी। अगर ये गलत हो जाएगी तो ये वाला ऑप्शन तो गया, आंसर तुम्हारा सी यहाँ से आ गया है। अब देखो रेक ए जीन इज इन्वॉल्व इन सॉस रिस्पॉन्स, अभी मैंने बताया, और डीएनए रिपेयर में इसका मेन रोल जो है देखने को मिलता है। तो ये भी ध्यान में रखना है सॉस रिपेयर वाले में, और किसी दिन सॉस रिस्पॉन्स जो है मैं पढ़ा दूंगी, लेग से पूरा कनेक्शन जो होता है, तो तुम्हारा रेक के पूरा का पूरा कंप्लीट जो है यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है वाला प्रोटीन। तो जो सी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, और आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी इशू है तो प्लीज मुझे बता देना, और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अभी भी अनअकैडमी पे पढ़ा रही हूँ, और वो लोग अभी प्रीमियर कर रहे हैं वीडियोस का, तो दैट माइट बी पॉसिबल कि बच्चों को लगे कि ना मैं अभी वहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ अब नहीं पढ़ा रही हूँ। तो जो भी बच्चों को नहीं पता है, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है कोई भी बच्चे, तो प्लीज शेयर करें वीडियो को और लाइक करें जितना हो सकता है, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके उतनी वीडियोज मैं प्रोवाइड करूँ। एंड प्लीज अभी सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।